हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। ये है आगरा व्लॉग का सेकंड पार्ट। मॉर्निंग में हमने ताजमहल को कवर किया। ताजमहल देख के हम लोग आ जाते हैं होटल पे। फटाफट से चेक होके, फटाफट से रेडी होके हम लोग चेकआउट करके निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है आगरा का रेड फोर्ट। क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हॉट था। यहाँ पे भी हमने गाइड को हायर किया हुआ था, तो गाइड ने काफ़ी अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन दिया। Nowadays it is just 20-25% of it, and 75% occupied by the Indian Army. So we are not allowed. So from where we entered, the gate is known as Amar Singh, and he was chief of commander in the Mughal fort, the fort of Shah Jahan. So after every gate, you will see two platforms on both sides of the gate. That place called नौबत खाना और लाइक ड्रम हाउस और म्यूजिक ये जो ये यहाँ पे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे। यहाँ से हम आ जाते हैं आगरा फोर्ट के अंदर। बहुत ही सुंदर ये भी काम है। ये पूरा जो किला है वो रेड स्टोन में किया गया है, इसलिए उसको रेड फोर्ट बोलते हैं। एंड ये जो दोनों साइड में आपको बहुत ही सुंदर मीनार दिखेंगे, अभी तक काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। एंड ये जो किला है, ये किला उनका एप्पर यहाँ पे था। ये देखिए, ये जो है ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स का दोनों साइड वॉल है। जहाँ पे भी कोई अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो ऊपर से पत्थर या फिर दोनों साइड से गरम तेल या फिर गरम पानी जो है वो छोड़ा जाता था, जिससे वो जो दुश्मन है वो बीच में ही मर जाए, वो एंटर नहीं कर सकता है किले में। एंड यहाँ पे जो दोनों साइड वो लॉन्ग वॉल्स है, उसकी वजह से आवाज़ जो है वो गूंजता है, तो अगर कोई आ रहा है तो भी उसका जो पता है लोगों को लग जाता है। ये आ जाते हैं हम मेन एंट्रेंस में, जहाँ पे रानियाँ रहती थी। एंड उसको हरम भी बोला जाता है, मतलब बहुत सारी रानियाँ वो वहाँ पे रहती थी। यहाँ पे जो वर्क किया गया है वो मिक्स्ड कल्टामिक वर्क जो है, ये पूरे इसमें किया गया है, जिसमें आपको इस्लाम एंड हिंदू ये सारी वास्तुकला दिखती है। ये है अंदर का व्यू। यहाँ पे सारी रानियाँ, उनकी दासियाँ यहाँ पे रहती थी। एंड बोला जाता है कि यहाँ पे ये जो वास्तुकला है उसमें राजस्थानी भी कल्चर आपको दिखेगा। यहाँ पे मंदिर भी है, जहाँ पे मतलब जोधा बाई जहाँ पे पूजा करती थी उनका मंदिर भी है। एंड राधा कृष्ण का भी मंदिर है। सारे जो भी फेस्टिवल है, दोनों कल्चर वाले यहाँ पे सेलिब्रेट होते थे। एंड ये जो सामने वाली बिल्डिंग है वो एयर वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई थी। दोनों भी बिल्डिंग्स है, उनमें गैप है। एंड पानी की वजह से, यमुना नदी का पानी उसके ऊपर से आता था, तो ये समर सीज़न में काफ़ी अच्छे से थे। बहुत ही अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए गए हैं। एंड ये देखिए, हम आ जाते हैं अगेन नेक्स्ट यहाँ पे। बहुत ये जो किला है वो काफ़ी बड़ा है, तो अनवी एंड जशु बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे चल चल के। एंड ये बाहर क्लाइमेट भी काफ़ी हॉट था, उसकी वजह से भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। एंड बट अंदर किले में कुछ जगह पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है। एंड क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा यूज़ यहाँ पे किया हुआ है, जहाँ पे आपको बाहर से लगेगा कि ये बंद है, एंड अंदर से जब आप देखते हैं तब आपको लगता है कि ये ओपन है। तो ये देखिए, ये भी एक अंदर का व्यू है, जहाँ पे कुछ भी फेस्टिवल है या फिर कुछ भी दासियाँ कुछ परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे सारी रानियाँ जो है वो बैठती थी। एंड हिंदू थे ना रानी।
साउथ इंडिया में गुजराती बंगाली और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. Landing hall. And that was the life. And it was a dancing hall too. So when some beautiful ladies performed dance here, Emperor used to set this. And other ladies of royal family used to set dance. And no male member was allowed in it, except the king, except the emperor. Like, now we mix architecture like this. I am showing these canopies are Chinese object, Chinese idea. Those arches are Islamic. You see the cross here, represent Christianity. And we have got elephant trunk here. Above this tail design, the elephant trunk, that sign of God. So this is mixed architecture, we call it first time. ये देखिए यहाँ पे इल्यूजन एंड क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. यहाँ फ्रंट साइड है, बट अगर कुछ ऑब्जेक्ट अगर हम वहाँ से फेंकते हैं नीचे तो वो उस साइड अंदर गिरता है. तो स्टार्टिंग में ये इल्यूजन है जहाँ पे हमको लगता है कि ये जो है वो वॉल बंद है, बट ऐसा नहीं है. अंदर में क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बनाए हैं. ये जो फोर्ट है देखिए, यहाँ पे हमने कॉइन फेंका वो अंदर आ जाता है. हम लोग चेक करने जाते हैं वेदर इट इज फॉल और नॉट, नीचे गिरा कि नहीं. तो नीचे गिरने के बाद जब हम अंदर से देखते हैं ये विंडो को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है. देखिए ऊपर जब हम देखते हैं तो वो ओपन है. इसको इल्यूजन भी बोला जाता है. एंड ये ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि ये क्रॉस वेंटिलेशन है, तो हवा भी अंदर आ जाएगी. एंड साथ ही साथ आपको ये देखिए इस टाइप का क्रॉस वेंटिलेशन पूरे महल में आपको मिलता है. एंड वन मोर थिंग, ये पूरे जो कॉर्नर्स है ये महल के, वहाँ पे एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है. ये देखिए हम लोगों ने ट्राई भी किया था, चार लोग चार कॉर्नर पे है, तो अगर कोई बात करता है तो दूसरे को काफ़ी क्लियर तरीके से आवाज़ सुनाई देती है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा नमूना था. बहुत ही अलग अलग टाइप के जो भी है, इल्यूजन बोलिए, टेक्निक्स बोलिए, या फिर वर्क है, वो बहुत ही प्यारे है. पूरी मिक्स्ड कल्चर के साथ आपको ये जो है वो किला मिलता है. एंड सारी जगह पे आप देखेंगे बहुत ही अलग अलग टाइप का काम किया गया है. एंड ये जो वॉल है ये हॉलो वॉल्स है, ये जो भी दिख रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे. नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो जब भी यहाँ पे मॉर्निंग का सनलाइट आता था ये खिड़कियों से, वो जो है वो ये पेंटिंग पे गिर के वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता था. यहाँ पे शाहजहां को काफ़ी साल तक उनके बेटे औरंगजेब ने कैद करके रखा था. एंड जब वो बूढ़े हो चुके थे तो उनको ताजमहल नहीं दिखता था, तो ताजमहल भी ये किले से दिखता है. वैसा अरेंजमेंट उस टाइम पे यहाँ पे किया हुआ था. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये किला है. वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खींचे एज यूजुअल. ये देखिए हम आ जाते हैं ये शीश महल में. पूरा काम जो है वो वाइट स्टोन में किया गया है. एंड ये यहाँ पे जो भी वर्क आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है. बहुत ये हम आ जाते हैं दीवाने आम में, जिसको जनता की अदालत ये दिया जाता था. यहाँ पे बैठ के राजा सबको अपना जो फैसले है वो सुनाते थे. इसका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है. होप आपको ये मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा है. यहाँ पे हमारा दो दिन का टूर फिनिश हो जाता है. फाइनली हम पहुँच जाते हैं दिल्ली के और निकल जाते हैं. बहुत ही अच्छा टूर था, काफ़ी मेमोरेबल भी था.